बीटीसी छात्र की हत्या मामले में बड़ी खबर, पूर्व वीएसपी विधायक शमशेर बहादुर का बेटा गिरफ्तार हुआ है। लखीमपुर के धौरहरा से विधायक रहे हैं शमशेर। कल गोमती नगर में हुई थी छात्र प्रशांत की हत्या। एक तरफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी खबर। गगन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से। गगन, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर, इस हत्याकांड पर? देखिए बिल्कुल पंकज, जिस तरह से कल निर्मम हत्या हुई थी प्रशांत की, और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसके ही उसी के चलते लखनऊ पुलिस ने अमन बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया है, जो प्रशांत के कॉलेज बीबीडी का ही छात्र था और बीटेक कर रहा था लखीमपुर में। उसके पिता धौरहरा सीट से विधायक रह चुके हैं, जिनका नाम शमशेर सिंह यादव है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी तीन अभियुक्त फरार हैं, क्योंकि मौके पे तो कम से कम 10-12 बच्चे आए थे, लेकिन इनोवा कार के अंदर जब प्रशांत को चाकू से गोद कर उसकी हत्या की गई थी, उस समय वहां पर 5 लोग मौजूद थे और इसमें अमन बहादुर मेन अभियुक्त था, जिसके एक दिन पहले ही प्रशांत की बाराबंकी के एक होटल में लड़ाई होती है और उसके बाद ही पूरे हत्याकांड का वो साजिश करता था, उसी ने ही पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल अमन बहादुर सिंह को पकड़ कर लिया गया है और बाकी जो अभियुक्त थे उनकी पुलिस तलाश कर रही है। उनकी तलाश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर।